हेलो चिल्ड्रन, सो एज आई इंट्रोड्यूस यू द टॉपिक कोडोमिनेंस, इट इज गिवन इन योर बुक हियर, बट आई हैव मेड द नोट्स ऑफ इट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस. ओके, बट बिफोर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑन अ पेज. नोट्स आर हियर विच आई हैव ऑलरेडी टैग्ड विद द वीडियो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑन अ पेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, लुक एट हियर. आई एम As I have told you in the first video that the blood group are four, that is A, B, AB and O. Okay, these are four common blood groups are there, and for these four blood group in human beings there is a gene I, and this gene I is having three allelic form, that is IA, IB and small I, और इसको IOB कहते हैं. ओके, तो ये इसके देर आर थ्री एलिलिक फॉर्म्स आर देयर. तो अगर हम इस ब्लड ग्रुप ए का जीनो टाइप लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि वाई दिस ब्लड ग्रुप ए इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ओवर द आरबीसी देयर इज अ कवर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज बी, एंड ओवर द आरबीसी ऑफ बी ब्लड ग्रुप देयर इज अ कवर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज बी, एंड ओवर द ब्लड ग्रुप ऑफ आरबीसी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप देयर आर टू ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट ए एंड बी, हैंस इट इज कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुप, हैंस इट इज कॉल्ड एज बी ब्लड ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज ए ब्लड ग्रुप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, एंड इन ओ ब्लड ग्रुप ओवर द आरबीसी देयर इज नो ग्लाइकोप्रोटीन कवर इज देयर, दिस इज ओ ब्लड ग्रुप एंड नो ग्लाइकोप्रोटीन इज देयर ओवर इट. ओके, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड नो कि देयर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन ए बी ए बी एंड नो ग्लाइकोप्रोटीन इज देयर. एक्चुअली दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ अ जीन, दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ जीन, एंड दैट जीन इज जीन आई एंड इट हैज इट्स थ्री एलिलिक फॉर्म. अब अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप में दो पॉसिबिलिटी होगी कि वो होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए है या हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए है. जैसे आपने कहा कि प्लांट इज टॉल, तो टॉल की दो पॉसिबिलिटी बनती थी, दिस एंड दिस, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है. इसी तरह से ब्लड ग्रुप के लिए अगर वो होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए आई ए जीनोटाइप होगा, अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए आई जीनोटाइप होगा. क्यों? जैसे यहाँ स्मॉल टी एक रिसेसिव एलील है, उसी तरह से यहाँ स्मॉल आई एक रिसेसिव एलील है, और आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट एलील ओवर द स्मॉल आई. अब आई आपको ब्लड ग्रुप बी का अगर जीनोटाइप बनाना है तो होमोजाइगस में वो आई बी होगा और हेट्रोजाइगस में वो आई होगा, और ब्लड ग्रुप ए का ए बी का जीनोटाइप आई बी आई ए आई बी और ओ ब्लड ग्रुप का स्मॉल आई होगा, क्योंकि इसके पास कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि वन जीन हैज मोर देन टू एलिलिक फॉर्म. अर्लियर वी हैव सीन दैट वन जीन हैज इट्स टू एलिलिक फॉर्म ओनली. जैसे आपने देखा कि W फ्लावर कलर के लिए था, उसके टू एलिलिक फॉर्म के थे. हाइट के लिए जो जीन है उसके टू एलिलिक फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स फॉर अ जीन इज देयर, हैंस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. नाउ द टॉपिक इज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस हियर दे हैव नॉट रिटन मल्टीपल एलिलिज्म, इट इज रिटन एट द बैक. दे हैव फोकस्ड मेनली ऑन कोडोमिनेंस. वाई डू इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस? बिकॉज इन दिस ओनली, दिस ब्लड ग्रुप ओनली इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, बिकॉज इन ए बी ब्लड ग्रुप बोथ द एलिल्स आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट. सी दैट हियर आई ए इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल आई, हियर आई बी इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल आई, इसीलिए इसको भी ए ब्लड ग्रुप इसको बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं. बट हियर यू कैन सी आई ए एंड आई बी बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, हैंस दिस बिकम द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस. ओके, अब आपको इसको मैं नोट्स में समझाती हूँ. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि दिस कोडोमिनेंस इज फर्दर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म.
I have written that human blood group in an example of multiple allelism and codominance. There are mainly four blood group A, AB and AB and O are there, and these blood group are controlled by gene I, and gene I has its three allelic form IA, IB and small I. Small I ko I0 bhi bolte hain. Hence it become the example of multiple allelism. I and IB are considered as dominant allele and small I is considered as recessive allele. अब इन सबके जीनोटाइप लिख रखे हैं कि जीनोटाइप ऑफ ए ब्लड ग्रुप अगर होमोजाइगस है तो ये होगा आई ए आई ए, और हेट्रोजाइगस है तो आई ए स्मॉल आई. इफ ब्लड ग्रुप बी इज देयर इफ होमोजाइगस तो आई बी आई, और हेट्रोजाइगस तो आई बी आई होगा. और ब्लड ग्रुप ए बी में बोथ द एलील डोमिनेंट एलील्स आर देयर एंड दे आर इक्वली डोमिनेंट, हेंस इट बिकम द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. और जीनोटाइप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इज स्मॉल आई आई. अब इसको कंक्लूड किया है कि वाई इट इज कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप ए बी, बोथ द एलिलिक फॉर्म आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट, हैंस इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. और यहां पर ये लिखा है कि ये मल्टीपल एलिलिज्म का क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि आई जीन हैज मोर देन टू एलिलिक फॉर्म. आई जीन हैज, ओके, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ में लिखी है. बाद में इन्होंने वही सिक्स जीनोटाइप यहाँ बताए हैं कि आई ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होमोजाइगस में आई ए है, बी का होमोजाइगस में आई बी है, दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप. उसके बाद में दिस ए ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये जीनोटाइप है, ए बी ब्लड ग्रुप का ये जीनोटाइप है, बी ब्लड का होमोजाइगस में ये है, बी का हेट्रोजाइगस में ये है, और ये ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप है. ओके, ये एलिलिक फॉर्म्स लिखे हुए हैं कि एलिलिक फॉर्म वन आई ए और एलिलिक फॉर्म टू भी आई ए है, तो आई ए ब्लड ग्रुप बन गया ये होमोजाइगस ए. अगर एलिलिक फॉर्म आई ए और दूसरा एलिलिक फॉर्म बी है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा. पहला एलिलिक फॉर्म आई ए दूसरा स्मॉल आई है तो ये हेट्रोजाइगस ए बन गया. पहला एलिलिक फॉर्म बी दूसरा आई ए है तो आई ए बी फिर से ब्लड ग्रुप बन गया. दोनों बी एलिलिक फॉर्म है तो बी ब्लड ग्रुप होमोजाइगस, बी और स्मॉल आई है तो हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप. बोथ द एलिलिक फॉर्म आर स्मॉल आई बिकॉज इट इज अ रेसेसिव, सो इट विल बिकम ओ ब्लड ग्रुप, हेंस इट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. ओके, इसके पीछे अगर हम पेज पर जाएं तो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ को मल्टीपल एलिलिज्म ऑल्सो. यहाँ दिया हुआ है कि ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिकॉज द जीन आई हैज इट्स मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स. ओके, ये एक बात हो गई कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करने की. लेकिन हियर एज आई वॉज टेलिंग यू कि देयर आर थ्री टर्म्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दैट इज वॉट, दैट इज डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. तो डोमिनेंस का एग्जाम्पल F1 हेट्रोजाइगोट जो मेंडल का था, कैपिटल टी स्मॉल टी से प्लांट हैज बिकम टॉल, एंड दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ हाइट ऑफ द पाइसम सटाइवम पी प्लांट. तो व्हाई इट हैज बिकम टॉल, बिकॉज द टी जीन हैज कंप्लीटली डोमिनेटेड ओवर स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी इज नाउ कंसिडर्ड एज रेसेसिव जीन, एंड कैपिटल टी जीन फॉर द टॉलनेस इज कंसिडर्ड एज डोमिनेंट जीन. यहां पर ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आपने कल के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दैट इन स्नैप ड्रैगन द पिंक फ्लावर वर फॉर्म्ड. आई कैन शो यू द पिक्चर ऑफ स्नैप ड्रैगन. ये आपने एग्जाम्पल देखा था कि इसमें पिंक फ्लावर बना था. तो दिस आर जीनोटाइप जो इसमें है, तो दिस कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग ओवर द स्मॉल आर. इन दोनों में से कोई एक कलर यहां बनना था. वट एवर द कलर वुड हैव फॉर्म, इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज डोमिनेंट. लेकिन नाइदर ऑफ द कलर हैज अपियर्ड इन F1 जनरेशन, एंड न्यू कलर हैज अपियर्ड हियर, सो दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज नन ऑफ द जीन हैज डोमिनेटेड ओवर अदर. ओके, सो दैट इट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ इट कम्स द कोडोमिनेंस विच वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड, दैट इन ए बी ब्लड ग्रुप आई ए आई बी
are present together and they both express themselves fully, hence it becomes the example of codominance. तो इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड. अदरवाइज बाय डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक सेपरेटली इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, बट द डिफरेंस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अनदर टॉपिक, दैट इज प्लियोट्रॉपी.